हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के बारे में। बच्चों, आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने हमारे पास कमेंट किया था कि सर अभी तक हिंदी में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर हम कहें तो हमारी 0 नंबर की हिंदी की तैयारी है, ऐसे में क्या हम हमारे पास जो कुछ भी समय बचा है इस समय में क्या हम हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आप सभी लोग अभी भी हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले। बस आपको ध्यान से देखते रहना, हर एक टॉपिक को समझते हुए चलना है। अगर मैं कहता हूं बच्चों, अगर आपके पास 10 दिन है, मैं कहता हूं कि आप 8 दिन में हिंदी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है, इन सारी चीजों पर हम आज डिटेल चर्चा करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, हर एक चीज को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब आपको, मगर मैं कहूं आपसे, आप 100% पूरा सिलेबस कवर कर लो, ऐसा नामुमकिन है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ वो सिलेबस पढ़ना है जो IMP है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, सिर्फ आपको वो पढ़ना है, ठीक है। ऐसा पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको बच्चों जब अभी आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो पेपर के अंदर रहेगा उसमें आपकी कुछ रचनाएँ रहेंगी, रचनाएँ क्या रहेंगी, हमारी कुछ रचनाएं रहेंगी। तो रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे सबसे बाद में। सबसे पहले अगर हम चर्चा करेंगे रचनाओं को छोड़ दें अगर, तो उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है गद्यांश को लेकर। और बच्चों जो गद्यांश आता है आपको पता है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, पूरे 10 नंबर का आता है। पूरा गद्यांश जो होता है इसमें आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। इसमें बच्चों होता क्या, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो और 5 दूनी कितने होते हैं, 10, यानी कि 5 क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 10 नंबर के हमारा गद्यांश में रहता है। अब बच्चों आप अगर इन 10 नंबर को अगर आप तैयार करना चाहें तो आप कैसे तैयार करोगे, इसके लिए बच्चों आपको गद्यांश के मिनिमम आपको 3 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। 3 चैप्टर में एक हमारा चैप्टर रहेगा राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा रहेगा अशोक के फूल बच्चों, तीसरा आपका चैप्टर है हम और हमारा आदर्श। जो बच्चों आपका राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर है, इसको आपके वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, इसके जो लेखक हैं बच्चों वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अशोक का फूल जो है बच्चों इसके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हम और हमारा आदर्श जो है बच्चों इसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है, आप लोग लिख लेना। इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आपको करना क्या है, इन चैप्टर में आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इन चैप्टर में वो शब्द पढ़ने जो हमें अगर स्टेंजा में अगर हम देख लें तो हमें मिल जाए। तो इसके लिए मैंने आपको गद्यांश को हल करने की ट्रिक का वीडियो डाल दिया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं ढूंढना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि गद्यांश को पहचानने की ट्रिक, वहाँ पर हम लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप गद्यांश की ट्रिक को देख लेना। और अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स के गद्यांश को अगर तैयार कर लिया, मैं कहता हूं आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इन 3 चैप्टर को पढ़ना है। इन 3 चैप्टर में मैंने आपको यह भी बता दिया, आप अगर नहीं इन 3 चैप्टर को पढ़ना चाहते, सिर्फ इनके अगर 1 से 2 लाइन अगर इन चैप्टर के याद कर लेते हो तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हो, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात हो गई गद्यांश को लेकर। फिर एक हमारा टॉपिक आता है जिसमें होते हैं बच्चों हमारे कुछ पद्यांश। पद्यांश भी हमारा बच्चों आता है पूरा बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 नंबर का। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 5 रहते हैं, और अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 10 होते हैं। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें बच्चों एक आपका पवन दूतिका आपको पढ़ लेना है, कैकई का अनुपात पढ़ लेना है, गीत पढ़ लेना, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य को सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया था इससे पहले भी। और लेकिन जो अभिनव मनुष्य जो है इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं इनके द्वारा अभिनव मनुष्य को लिखा गया है। और जो आपका बच्चों गीत है, जो आपको गीत किसका पढ़ना है, आपको जयशंकर प्रसाद का गीत पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद का गीत पढ़ लेना है। और जो बच्चों आपका केकई का अनुपाद, इसको मैथिली, जो हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं इनके द्वारा लिखा गया है। और जो बच्चों पवन दूतिका है, इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत जी हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौत जी, आप लोग लिख लेना, ठीक। तो इन 3-4 चैप्टर हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना। मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम बात करेंगे पद्यांश को आप कैसे ट्रिक सेल कर सकते हैं। गद्यांश की ट्रिक हल करने का मैंने आपको वीडियो डलवा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। पद्यांश का भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम बात करेंगे। अगर आप पद्यांश को पढ़ना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए आपका इच्छा नहीं है कि मैं इतने पद्यांश सर मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको
उनका ट्रिक ला के दे दूंगा ताकि आपको पद्यांश में कोई टेंशन ना लेनी पड़े, ठीक है। तो आप पद्यांश भी तैयार कर लीजिए, अगर आप चार चैप्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ अगर आप ये चारों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपको 100% चांसेस हैं कि आपको यहीं से फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चों बात करें फिर आगे हम बढ़ते हैं, तब फिर हमारे आते हैं जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय भी आते हैं, और जीवन परिचय तो कम पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय ज़्यादा पूछा जाता है। अब वो चाहे हमारे गद्यांश का हो और फिर चाहे पद्यांश का हो, साहित्यिक परिचय हो या फिर जीवन परिचय, इसमें रचनाओं के साथ पूछा जाता है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, और 5 नंबर आपको गद्यांश में मिलेंगे, 5 नंबर पद्यांश में मिलेंगे। यानी कि अगर हम इनके टोटल जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के नंबर की बात करें तो 10 मिलते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, गद्यांश में मैं आपको 3 जीवन परिचय बता दे रहा हूँ, अगर आपने 3 तैयार कर लिए तो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से फंस जाए। पहला आपको तैयार कर लेना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, दूसरा आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तैयार कर लेना है, तीसरा आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर आपने तीनों गद्यांश के अंदर जीवन परिचय तैयार कर लिए तो इसका जो 5 नंबर का आएगा 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गद्यांश में अगर इतना तैयार कर लेते हो जीवन परिचय को तो आप अच्छे से कर सकते हो। साथ साथ इनकी बच्चों कुछ आपको रचनाएं भी लिखनी होती है, वहाँ पर आपको रचनाओं के साथ इनका साहित्यिक परिचय देना होता है, ठीक है। बच्चों बात आती है पद्यांश की, पद्यांश में आपको जयशंकर प्रसाद को पढ़कर जाना है, महादेवी वर्मा आज्ञा जी को और सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। आपको चारों जीवन परिचय अच्छे से पता होने चाहिए, अगर इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता तो अगर आप साहित्यिक परिचय याद रखते हो तो जन्म मृत्यु, अगर इनके जीवन परिचय आता है तो आप जन्म मृत्यु स्थान और माता पिता का नाम, साहित्यिक परिचय इनके जो इन्होंने जो मुख्य योगदान दिए हैं उनके बारे में आपको याद कर लेना है, साहित्यिक परिचय इनका थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत आप बना के लिख दोगे, कैसे लिखना है इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाइएगा सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों गद्यांश और पद्यांश में अगर हम बात करें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है जीवन परिचय को लेकर, अगर अदर मैंने आपको स्टेंजा वगैरह गद्यांश पद्यांश जो आता है उसमें आपको कुछ लाइन्स दी होती है, उनके अंदर क्वेश्चन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला हमारा टॉपिक क्या है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम में वो आता है संस्कृत को लेकर, किसको, संस्कृत को लेकर, ठीक है। संस्कृत में आपको क्या करना है, 3 से 4 चैप्टर पढ़ लेना है, और संस्कृत में आपको पता है बच्चों कितने नंबर का आता है टोटल, हमारे 7 नंबर को एक गद्यांश की तरह होता है और 7 नंबर का एक पद्यांश की तरह होता है, यानी कि बच्चों हमारा 14 नंबर की तो संस्कृत ही आ जाती है। कुछ श्लोक दिए रहेंगे, कुछ आपको बड़े से पैसे दिए रहेंगे, उनके आपको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों आपको 14 नंबर अगर चाहिए तो आपको ये 4 चैप्टर तो पढ़ने ही पड़ेंगे, अगर आपने 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 14 नंबर मिल सकते हैं। इसमें बच्चों पहला हमारा चैप्टर है संस्कृत भाषा महात्म, यानी संस्कृत भाषा का महत्व, महामाना मालवीय हो गया, पंचशील सिद्धांता हो गया, सुभाषी रत्नानी हो गया। इन अगर आपने 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, इन 4 चैप्टर के बारे में आपने अच्छे से स्टडी कर ली, आपने 1 से 2 जो आपके यानी कि जो पद्यांश के टाइप से श्लोक जो आते हैं उनको अच्छे से आपने सॉल्व करने का प्रयास कर लिया, तो मैं कहता हूँ आप 14 नंबर में से आप 10 से 12 या 13 नंबर आसानी से ले लोगे। इसमें आपको कोई ज़्यादातर अगर किसी भी चैप्टर से आते हैं तो एक तो आपके ज़्यादा चांस रहेंगे जो पद्यांश जो गद्यांश आएगा, महामाना मालवी और पंचशील सिद्धांता, इन्हीं से आपको शायद 99.99% चांस है कि आपको यहीं से आपको जो आपके गद्यांश टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो फंस जाएंगे, ठीक है। और जो पद्यांश टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको ज़्यादातर सुभाषी रत्नानी से फंस जाते हैं, यहीं से ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों हमारा एक टॉपिक आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर जिसमें आता है ध्रुव कहानी, और कहानी में आपको क्या करना है दोस्त, 2 कहानी आपको पढ़कर ही जाना है, और एक कहानी बच्चों आपको पता है बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की। इसमें आपकी कहानी एक तो रहेगी ध्रुव यात्रा, दूसरी रहेगी पंचलाइट। अब बात आती है ध्रुव यात्रा को किसने लिखा है, पंचलाइट को किसने लिखा है। बच्चों जो ध्रुव यात्रा कहानी है इसको जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, कुमार के द्वारा। और जो बच्चों आपकी पंचलाइट है इसको फाड़ेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, आपको जो आपकी पंचलाइट कहानी है इसको फाड़ेश्वरनाथ रेणु ने लिखा है, और ये दोनों कहानी अगर आपने तैयार कर ली तो आपके 5 नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अगर आपने पंचलाइट भी तैयार कर ली तो भी आप पास हो सकते हो, आपको फंस सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ऐसा पढ़ना है कि अगर आपने 100% चाहिए तो आप अगर दोनों याद कर लेते हो ध्रुव यात्रा और पंचलाइट, तो मैं कहता हूँ 100% आपको यहीं से पंचलाइट कहानी यानी जो आपकी कहानी आएंगी वो फंस जाएंगी, ठीक है।
अन्यथा अगर आप एक पंचलाइट की जो कहानी है पंचलाइट फर्सोनाट रेडू ने लिखा है, आपने अगर ये भी तैयार कर ली तब भी आपको बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। फिर बच्चों एक हमारा अगला टॉपिक आता है जिसमें आता है खंड काव्य। अब खंड काव्य बच्चों हर एक जिले में हर एक राज्य में अलग अलग होता है, तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको खंड काव्य आपके जिले का नहीं पता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम टाइप कर देना और अपने राज्य का नाम, सॉरी बच्चों यूपी बोर्ड का है ठीक है, तो आप अपने जिले का नाम टाइप कर देना, मैं आपको वो सारे खंड काव्य बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा चलता है ठीक है। हर एक जिले में बच्चों खंड काव्य जो है हमारा वो अलग अलग चलता है ठीक है बच्चों। अगला बच्चों हमारा टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं पत्र लेखन की। आपको कुछ पत्र लिखने होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अंदर आते हैं, इसमें आपको दो पत्र अगर आपने तैयार कर लिए, और मैं इन दोनों पत्रों को तैयार भी करवाऊंगा आपके लिए, इसका सलूशन वीडियो भी लाकर आऊंगा ठीक है। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए, यानी कि आपके गांव में बिजली की अगर समस्या है तो आप अपने गांव के उचित अधिकारी को, आप अपने उस बिजली से रिलेटेड, आप अपने गांव से रिलेटेड या शहर से रिलेटेड आपकी बिजली की प्रॉब्लम है तो वहां के जो अधिकारी हैं उनको आप पत्र लिख सकते हो ठीक है। दूसरा पत्र आपको लिखना है विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। आप किसी भी विद्यालय में नियुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके जो प्रबंधक होगा उसको आपको एक आवेदन पत्र लिखना होता है। आपके दोनों पत्र तैयार कर लेना, और बच्चों आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो पत्र आते हैं, आपको जो बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना होता है ये भी आपका 9 से 10 नंबर में होता है ठीक है, वो 8 से 9 सॉरी बच्चों 5 नंबर में होता है, 5 या फिर 6 नंबर में हमें पत्र लिखना को आता है ठीक है बच्चों। और हमारा जो लास्ट आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा निबंध। अब बच्चों पता है आपको निबंध 8 से 9 नंबर का आता है, लगभग 9 नंबर का निबंध हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। इसमें आपको क्या करना है, 3 से 4 निबंध जो मैं आपको बता दे रहा हूँ आप इन निबंधों को तैयार कर लीजिए। महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, महंगाई की समस्या का कारण क्या है और इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, भविष्य में लोकतंत्र का भविष्य क्या होने वाला है, लोकतंत्र का भविष्य क्या है, आपको चंद्रयान 3 हो गया, साहित्य और समाज का अंतः संबंध, साहित्य और समाज का अंतः संबंध क्या है। अब बच्चों इन सभी टॉपिक के बाद में एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जिसका नाम है बच्चों व्याकरण। क्या है, व्याकरण ठीक है। अब बच्चों व्याकरण में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपको व्याकरण का सलूशन वीडियो आपको जल्द ही लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं 1 से 2 लेक्चर के अंदर संपूर्ण व्याकरण आपकी फिनिश कर दूंगा। कई सारे व्याकरण के टॉपिक हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से व्याकरण के वीडियो देख सकते हो। अन्यथा मैं आपके लिए जो आपकी व्याकरण है इसका फुल व्याकरण का फुल सलूशन वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है, कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, अन्यथा आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूं बच्चों रचनाओं को लेकर। बच्चों रचनाएं जो हमारी आती है बोर्ड एग्जाम में, ये आपकी कुछ तो हमारी गद्य की आती है और प्लस हमारी कुछ पद्य की आती है, इन दोनों को अगर मिला दें तो अगर आपने 50 से 60 या फिर 100 रिएक्शंस की, सॉरी बच्चों 100 अगर आपने रचनाओं की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली गद्यांश और पद्यांश की 50-50, तो आपके यहाँ पर जो 10 नंबर की रचनाएं आती हैं 5 नंबर की आती हैं गद्य खंड से प्लस 5 नंबर की आती है पद्य खंड से ठीक है। तो आप गद्यांश और पद्यांश को यहाँ से हल कर सकते हो ठीक है। इसके लिए मैंने आपको कई सारी रचनाएं पढ़ा रखी हैं, 40-50 रचनाएं और भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप रचनाओं को भी तैयार कर सकते हो ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बढ़िया और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।